हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश बाय पाठक सर। बच्चों, इस चैनल पे इंग्लिश के साथ साथ अब आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि सेट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको सेट के बारे में बताया था, और सेट के बाद मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड सेट क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको जानकारी दी थी टाइप्स ऑफ सेट और सेट को कितने तरीके से लिखते हैं। आज बच्चों, इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको सबसेट का भी एक टॉपिक बता दिया था, तो आज हम लोग सबसेट को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद हम इंटरवल पढ़ते हैं, फिर थोड़े से एग्जांपल्स लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसेट जैसा कि नाम से ही है, सबसेट मतलब किसी सेट का जो सब पार्ट होगा, है ना। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि ए बी का सबसेट, इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं बच्चों? ये देखिए, इसको ये सिंबल होता है ना, जैसे हम लोग लेस देन और इक्वल टू, वैसे सेट में ये सिंबल होता है। इसका मतलब होता है ए जो है बी का सबसेट है। ये कब होगा बच्चों? अगर ए सेट में भी एलिमेंट होंगे, बी सेट में भी एलिमेंट होंगे। ये कब आपका होगा? जब ए के एवरी एलिमेंट, ए का कैपिटल ए के सेट में हर एक एलिमेंट जो है आपका, जो ए सेट में हो वो आपका बी सेट में भी होना चाहिए, है ना बच्चों? समझिए, ए सेट में भी आपको एलिमेंट्स होंगे, बी सेट में भी एलिमेंट्स होंगे। तो आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा सेट किसका सबसेट है? तो जो आपसे कहा जाए कि जैसे ए बी का सबसेट है, तो आप ए सेट के हर एक एलिमेंट को चेक करोगे कि वो बी में है कि नहीं। अगर वो बी में है, अगर ए कोई एलिमेंट ए में है, तो वो बी में होना ही होना चाहिए, है ना। अगर कोई एक एलिमेंट ए का छूट गया, मीन्स बी में नहीं है, तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। तो इसको बच्चों हम ये जो सिंबल होता है, इसको सबसेट बोलते हैं। अगर इस सिंबल में इक्वल वाला साइन हटा दें, मीन्स हमेशा ए जो होगा वो बी का सब पार्ट होगा, बी के बराबर नहीं होगा, तो इस सेट को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर सबसेट, है ना, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर यहाँ पे ये सिंबल हो जाता, मींस ये इक्वलिटी का भी अगर साइन लग जाता, इन द सेंस ए बी के बराबर भी हो सकता है, ए सेट बी से छोटा भी हो सकता है ना, क्योंकि जो बी है वो ए को कंटेन किए है, जो बी सेट है उसमें ए कंटेन है, मींस बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब ए के ही हैं और बी के कुछ अपने भी एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ये भी हो सकता कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो, तब दोनों सेट बराबर हो जाते हैं, ठीक। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं एक प्रॉपर सबसेट, जब हमारा इक्वल का साइन नहीं होता। लेकिन अगर यही इक्वल का साइन हो जाता है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर। और अगर यही इक्वल का साइन हो जाता है बच्चों सबसेट में, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और एक चीज और देखिए, जब ये सिंबल होता है, मींस बी जो है सुपर सेट है ए का। क्या बोलते हैं बच्चों? बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट, है ना। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, मींस जो बी सेट है वो सुपर है, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ए से ज्यादा हैं, ठीक है बच्चों। तो बस कुछ नहीं है, सबसेट में आपको दो सेट दिए जाएंगे, दो सेट होंगे। हर जो सबसेट के जो भी दिखाया जाए कि ये ए जो है बी का सबसेट है, तो जो सबसेट है उसके हर एक एलिमेंट आपके दूसरे सेट में होना चाहिए, मीन जो ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक एलिमेंट आपके बी में होने चाहिए, तो तब हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट होगा, ठीक है बच्चों। अब एग्जाम्पल्स भी हम इसके देख लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ए सेट है जो कि फाई है हमारा। क्या है बच्चों? फाई। फाई मींस क्या होता है बच्चों? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मींस उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ए देखिए बच्चों फाई, एक सेट बी दिया है, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। एक सेट सी दिया है, उसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, है ना। और एक सेट दिया है डी बच्चों, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4।
थ्री फोर। ठीक, अब आपको बताना है कि ए जो है आपका बी का सबसेट है। पहला आपको ये ट्रू फॉल्स है, मीन्स आपको बताना है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो ए सेट में कौन सा एलिमेंट है बच्चों? फाइव। और बी सेट में क्या है? वन टू थ्री। क्या एलिमेंट्स है बच्चों? वन टू थ्री। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्लास है, मीन्स आप अगर इलेवेंथ क्लास में हैं, तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, मीन्स 10 बच्चों का उस क्लास में रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि वो पूरे ईयर पढ़ेंगे, है ना। अगर किसी दिन एक स्टूडेंट आता है, वो भी उस क्लास का सब पार्ट है। किसी दिन दो बच्चे आते हैं, वो भी उस क्लास के सब पार्ट हैं। किसी दिन सारे बच्चे आते हैं, वो भी उस क्लास के सब पार्ट हैं। हो सकता है किसी दिन कोई स्टूडेंट्स ना आए, है तो उन्हीं बच्चों की क्लास ना। मीन्स अगर उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, वो भी उस सेट का क्या होगा? सबसेट। तो ये आपका बच्चों करेक्ट है, मीन्स ट्रू है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा आप ही बताइए कि बी जो है वो क्या सी का सबसेट है? देखिए मैंने क्या चेक करने का क्या तरीका बताया है, यहाँ पे चेक करना बी सी का सबसेट है। मीन्स बी के हर एक एलिमेंट को हम चेक करेंगे कि वो सी में है कि नहीं। पहले देख लेते हैं वन, वो देखिए वन ही नहीं है। वन वन देखिए बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन वन सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मतलब आपका ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा कि बी आपका सी का सबसेट हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स। जब बी सी का सबसेट नहीं होगा तो हम वो सिंबल बना के सीधे एक लाइन क्रॉस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, मीन्स आपको समझ में आया। हमने वन देखिए टू को चेक किया, टू तो इस सेट में प्रेजेंट है। थ्री चेक किया, थ्री भी सेट में प्रेजेंट है। सिर्फ बी का वन एलिमेंट जो है, जो कि सिर्फ वन है, वो सी में प्रेजेंट नहीं है। अगर ये सी में प्रेजेंट होता तो बच्चों हम क्या लिख सकते थे? तब हम लिख सकते थे, देखिए वन को हमने चेक किया, हाँ सी में है। टू को चेक किया, हाँ सी में है। थ्री को चेक किया, हाँ ये भी सी में है। हम उल्टा नहीं चेक करेंगे, है ना। बी तब आपका सी का सबसेट होता, क्योंकि हर एक एलिमेंट को हमें चेक करना होता बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे वन नहीं लिखा हुआ था, है ना, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। हाँ ये हो गया, टू भी है, थ्री भी है, ये भी हम कह सकते हैं। हाँ टू एलिमेंट भी है, थ्री एलिमेंट भी है, तब भी आपकी कंडीशन ट्रू होती है ना। लेकिन अगर यहाँ पे वन लिखा है लेकिन ये सी में नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। वन आपका सी में एलिमेंट नहीं है, ये कंडीशन आपकी फॉल हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये बी में तो है लेकिन ये सी में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तब आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम और देख लेते हैं। क्या आप लोग बताइए, क्या सी जो है वो डी का सबसेट है? तो पहले हम सी के एक एक एलिमेंट को देख लेते हैं। टू क्या डी में प्रेजेंट है? यस, टू डी में प्रेजेंट है। थ्री, थ्री भी डी में प्रेजेंट है। फोर, फोर भी डी में प्रेजेंट है। तो आपका सी जो है डी का सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, मीन्स आपको ये नहीं चेक करना है कि फोर सी में है कि नहीं, जो आपका सबसेट है उसके एलिमेंट्स को चेक करना होता है कि वो जो मेजर सेट दिया हुआ है उसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरवल। इंटरवल सेट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटरवल ऑफ सेट। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको स्टैंडर्ड सेट पढ़ाए थे ना, कौन कौन से होते हैं नंबर्स के लिए। देखिए नेचुरल नंबर पढ़ाया था आपको, है ना, फिर मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ नेचुरल नंबर पढ़ाया था, फिर मैंने आपको बताया था होल नंबर, ये होल नंबर है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद मैंने आपको इंटीजर्स बताया था, है ना, फिर इसके बाद मैंने आपको परिमेय संख्या बताई थी। यहाँ मैं लिख देती हूँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और ये रैशनल। अब बच्चों आप बताइए कि इन चारों नंबर्स में कौन किसका सबसेट होगा? नंबर आपका स्टार्ट होता है बच्चों वन टू थ्री से, है ना। होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, डॉट डॉट डॉट। ठीक, और जो आपके इंटीजर्स होते हैं जीरो, यहाँ के प्लस, यहाँ के माइनस, इंटीजर्स, है ना, मीन्स प्लस वन टू थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस टाइप के नंबर्स। और रैशनल में क्या होता है बच्चों? जीरो प्लस माइनस वाले नंबर, जिसमें कि इंटीजर्स भी होते हैं, पॉइंट डेसिमल वाले नंबर्स भी होते हैं। ठीक है बच्चों,
ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर्स है और ये रैशनल नंबर। तो देखिए रैशनल नंबर देखिए किसको कवर कर रहा है, इंटीजर्स को। इंटीजर्स का हर एक एलिमेंट आपको रैशनल नंबर में मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट है, लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखिए होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू, और इंटीजर्स आपका जीरो वन टू भी है, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, निगेटिव इंटीजर्स भी है, जीरो भी है। मीन्स जो W है वो इंटीजर्स का सबसेट होगा, ठीक। फिर इसके बाद बच्चों आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से, वन से स्टार्ट होता है, होल नंबर आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। मीन्स जो आपका होल नंबर होगा वो सुपरसेट, मीन्स n जो होगा वो होल नंबर का क्या होगा बच्चों, वो होल नंबर का सबसेट होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, अगर मैंने यहाँ लिखा टू इज लेस देन और इक्वल टू थ्री, है ना, तो आप कहेंगे कि ये भी तो हम लिख सकते हैं टू इज लेस देन थ्री, मीन्स तीन जो है बड़ा है दो से, इक्वल कहाँ हुआ। तो बच्चों क्या वर्ड हम यूज करते हैं, लेस देन और इक्वल टू, मीन्स कंडीशन में कोई एक, ये जो स्टेटमेंट है उसमें कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, या तो ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए और लगा है, या तो ये नंबर इसके बराबर होना चाहिए। तो दोनों चीजें दी गई हैं, तो जब अथवा और लग जाता है उसका मतलब अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, ये आपकी जो स्टेटमेंट दी है वो आपकी ट्रू होगी। ऐसे ही बच्चों जब हम सबसेट्स की बात करते हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो Q है वो हमेशा Z से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि जो Q में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमेशा Z से बड़े ही रहेंगे। तो आप ये भी लिख सकते हो, और आप इसमें ये जो इम्प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हो, एज अ प्रॉपर सबसेट भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब बताइए सबसे बड़ा, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे बड़ा नंबर्स कौन होते हैं, रियल नंबर, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। हाँ, अब आपने कहा कि रैशनल नंबर तो हो गया, इरैशनल की बातें अगर करते हैं तो इरैशनल, देखिए रैशनल नंबर के बाद जो इरैशनल नंबर आता है वो भी रियल नंबर का सबसेट होता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए ये इरैशनल नंबर है, ठीक है, टी क्या है बच्चों हमारा, इरैशनल नंबर, क्या है बच्चों हमारा, इरैशनल नंबर, नंबर। तो आपको समझ में आया कि ये सिंबल का क्या यूज है, है ना। अगर नहीं होता ये जो इरेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट नहीं होता तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते, आर मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि पॉजिटिव रियल नंबर क्या होते हैं, सबको नोट करते जाइएगा बच्चों, नंबर कैसे होल नंबर का सबसेट हो गया और कैसे इरेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट हो गया, ठीक है। अगर बच्चों ये भी लगा सकते हैं आप, ये इक्वालिटी का साइन भी हटा सकते हैं। रियल पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, पॉजिटिव रियल नंबर ये क्या होते हैं बच्चों हमारे, जीरो से इन्फिनिटी तक होता है, और जब नेगेटिव रियल नंबर की बात होती है तो वो आपका माइनस इन्फिनिटी से जीरो। अब बच्चों आपको ये सिंबल नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि ये बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा है, ये छोटा ब्रैकेट क्यों लगा है, इसमें दोनों जगह सेम ब्रैकेट लगे हों। तो यही अब मैं आपको आगे के टॉपिक में पढ़ाने जा रही हूँ, इंटरवल। तो ये बच्चों इंटरवल है, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है इंटरवल, है ना। देखिए बच्चों इंटरवल, क्लास में जब आप पढ़ते हो तो दो क्लास के बीच में होता है ना कि लंच ब्रेक मिलता है, उसको हम इंटरवल बोलते हैं ना। इंटरवल मीन्स क्या होता है कि एक नंबर से लेके दूसरे नंबर्स के बीच में, हो सकता है वो नंबर्स भी इंक्लूड हो, उसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो आपके एज अ इंटरवल में आते हैं, है ना। देखिए इंटरवल की बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपका ओपन इंटरवल, क्या आता है बच्चों, ओपन इंटरवल। देखिए आपने नंबर लाइन, है ना, रियल नंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो नंबर लाइन ले लें जहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और यहाँ पे नेगेटिव नंबर होंगे और बीच में आपका जीरो होगा। एक्स जो होता है वो
जी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स वो कहीं भी लाई कर सकता है, बस आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना है। ठीक है, देखिए ओपन इंटरवल की बात हो रही है, एक्स आपका ए से बी तक जा रहा है, जहाँ पे मतलब ए मतलब कोई एक नंबर जैसे 2, बी कोई एक नंबर जैसे 4, है ना। तो यहाँ पे कहीं 2 आएगा, यहाँ पे कहीं 4 आएगा। एक्स आपका 2 से 4 के बीच में कोई भी नंबर्स हो सकता है, लेकिन आपका एक्स 2 और 4 नहीं होगा। ओपन का मतलब ये होता है कि एक्स आपका 2 और 4 के बीच में कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो, लेकिन आप 2 और 4 नंबर उसमें इंक्लूड नहीं करोगे। मीन्स एक्स ए हमेशा लेस होता है बी से, मीन्स जो इधर के राइट के नंबर्स होते हैं, जो राइट साइड के नंबर होंगे वो हमेशा ग्रेटर रहेंगे। और ये आपको मालूम भी होना चाहिए कि नंबर लाइफ में हमेशा जो आगे के लेफ्ट टू राइट जो नंबर होंगे राइट साइड के, वो हमेशा लेफ्ट से बड़े होंगे। ठीक, तो आप समझिए x दिया है वो कहाँ से स्टार्ट है, a से b तक, जिसमें कि x जो है a से बड़ा है और b से छोटा है, और x जो है a और b नहीं है, है ना। यहाँ पे हमने a b लिख दिया, a और b। अभी हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, अगर यही नेचुरल नंबर होता, रियल नंबर की बात करते तो अगर यहाँ पे 2, 3 होता तो 2.20002 मतलब डेसिमल्स नंबर्स भी होते, इरेशनल नंबर्स भी होते, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि कैसे हम कैसे लेस देन और ग्रेटर देन की बात हो गई। ठीक है, अगर यही हमारा नेचुरल नंबर होता और यहाँ पे लिखा होता, यहाँ होता x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x जो दिया है a से b मीन्स 2 और 3 के बीच में है, तो मीन्स इसमें कोई नंबर एग्जिस्ट ही ना करता, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका क्या होता है 2 और 3 होगा, 2 और 3 के बीच में। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 इंक्लूड ही नहीं होंगे, मीन्स इसमें हम अगर कहें कि इस सेट में कौन सा एलिमेंट मिलेगा, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं, तो ये आपको मेंशन यहाँ किया जाएगा कि वो कौन सा नंबर लाइन है। ठीक है, रियल है कि आपको इंटीजर्स हैं, ये आपको बताया जाएगा। तो ओपन इंटरवल आप समझ गए ना कि कैसे हम ओपन इंटरवल को हम ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में बनाते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम क्लोज मींस इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन मींस ये जो हमारा एक्स है वो ए से बी तक तो जाएगा, लेकिन ए और बी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होता है ओपन इंटरवल। एक्स इज दैट, ये आपकी जैसे प्रॉपर्टी हो गई बच्चों, जहाँ पे एक्स आपका रियल नंबर है। ठीक, तो ये ओपन इंटरवल की बात हो गई। ये ब्रैकेट आपको समझ में आया ना बच्चों, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो आप बड़ा ब्रैकेट जानते हो ना, क्लोज मतलब बड़ा ब्रैकेट, अभी क्लोज इंटरवल पढ़ाएंगे तो उसमें इसको बस उल्टी डायरेक्शन में कर देना होता है ना। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा ओपन इंटरवल। अब हम क्लोज इंटरवल की बात कर लेते हैं। अब बच्चों क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, देखिए एक्स आपका क्या होना चाहिए उस सेट में, है ना। एक्स जो है आपका ए से बड़ा और बी से छोटा या उसके बराबर, है ना। ठीक है बच्चों, ये क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि एक्स जो है ए और बी के बीच के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और ए और बी वो भी इंक्लूड होगा उसमें। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, ये बड़े ब्रैकेट से। ठीक है, मींस अगर मैंने आपसे कहा कि कोई एक सेट में एक्स है सच दैट, जो कि एक्स गया है 1 से 6 तक, तो मींस एक्स यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि एक्स आपका क्या है, रियल नंबर। एक्स आपका क्या है बच्चों, रियल नंबर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, 1 से 6 मींस जो ए सेट में जो एक्स है, जो भी एलिमेंट है ए में, वो 1 से 6 तक भी एलिमेंट हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें कि 1 भी होगा और 6 भी होगा। डेसिमल्स के भी नंबर होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे और रैशनल नंबर्स भी होंगे। तो ये होता है बच्चों हमारा क्लोज इंटरवल। क्या होता है, क्लोज इंटरवल।
ये सिंबल तो आपको समझ में, एक्स जो है ए से बड़ा या उसके बराबर और बी से छोटा या उसके बराबर। और दूसरी चीज होती है कि ए जो है हमेशा छोटा होगा बी से। ठीक है बच्चों, अब हमने ओपन इंटरवल पढ़ लिया, क्लोज इंटरवल पढ़ लिया, अब इसके बाद बारी आती है ओपन क्लोज की, है ना। ओपन का भी ब्रैकेट मैंने आपको बता दिया है, क्लोज का भी ब्रैकेट बता दिया है। ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक। अब देखिए एक्स जो है क्या होगा, कोई सेट में सपोज ए सेट है एक्स सच दैट एक्स जो है आपका ओपन की बात हो रही मीन्स इक्वल नहीं होगा, है ना। वो सेट, वो एलिमेंट जो है उस नंबर से बड़ा होगा। और क्लोज इसके बाद आया है क्लोज, है ना। देखिए कोई सेट में एलिमेंट है जो कि ए से बड़ा और बी से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों ब्रैकेट्स के फॉर्म में। ओपन का सिंबल ये होता है, क्लोज का सिंबल ये होता है, ए बी, ठीक। हम और ये भी लिख सकते हैं बच्चों, हम और करके इधर ही लिख देती हूँ मैं, ए बी, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए एक्स आपका दिया हुआ है नंबर लाइन पे 429, ठीक। तो हम कैसे उसको लिखेंगे बच्चों, उसको हम लिखेंगे 429 मीन्स एक्स जो है आपका 4 नहीं होगा, 4 के बाद वाले नंबर्स होंगे और 9 को आप इंक्लूड करोगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एक्स जो है वो आपका रियल नंबर की बात हो रही तो रियल नंबर ही, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे हम इंटरवल्स का यूज़ करते हैं। अभी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इंटरवल का मेन क्यों हम इसका यूज़ करते हैं ये समझ में आएगा। ओपन क्लोज ऐसे ही आपका क्लोज ओपन होता है, क्या होता है बच्चों क्लोज ओपन होता है। वही जब क्लोज की बात होती है तो इक्वल लग जाता है, ओपन की बात होती है मीन्स वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, क्लोज ओपन। देखिए क्या होगा, कोई एक सेट ए है, मैंने आपको बताया था एक्स सच दैट, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, एक्स जो है आपका ए से बड़ा या उसके बराबर और बी से छोटा, एक्स बिलोंग्स टू आर, और दूसरी चीज ए जो है वो हमेशा बी से छोटा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे जब क्लोज की बात होगी तो बड़ा ब्रैकेट ए और बी, बी मीन्स वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल लग गया, है ना। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज वाला सिंबल तो वही रहता है, ओपन का सिंबल हम उल्टा ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू कोई भी नंबर ले लेते हैं हम। देखिए -3 से आपको दिया हुआ है 8 तक, मीन्स जो ए है आपका -3, बी है आपका 8, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों। एक्स आपका कहाँ बिलोंग कर सकता है, एक्स आपका बिलोंग कर सकता है -3 से 8 तक, है ना। मीन्स एक्स आपका -3 भी हो सकता है, -3 के बाद के नंबर्स हो सकते हैं, 8 नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको आज इंटरवल बता दिया, कितने तरीके के इंटरवल होते हैं, 4 तरीके, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकूं, और जो बच्चे जेई की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी छोटी छोटी जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं उसको कवर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच।